और सौरव गांगुली के करोड़ों फैंस के लिए ये खबर जरूरी है। आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलनी थी, लेकिन गांगुली को अब कल डिस्चार्ज किया जाएगा। आज वो अस्पताल में ही रहेंगे। झूमते गाते फैंस दादा के हैं। आज सौरव गांगुली को वुडलैंड हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी। जिन लोगों ने गांगुली को दर्शकों तक मैदान में जलवा बिखेरते देखा, आज उन्हें सेहतयाब होकर घर लौटते देखना चाहते थे। लेकिन हजारों फैंस को उस वक्त मायूसी हुई जब उन्हें पता चला कि दादा की आज घर वापसी नहीं हो पाएगी। सौरव गांगुली आज का दिन अस्पताल में ही बिताएंगे, उन्हें कल छुट्टी दी जाएगी। दादा के फैंस अस्पताल के बाहर उनका घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन अब उन्हें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। सौरव गांगुली घर लौटेंगे, लेकिन उनका इलाज जारी रहेगा। शनिवार को दादा की एंजियोप्लास्टी की गई थी। उन्हें सीने में दर्द, चक्कर आने और ब्लैकआउट की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गांगुली आज एहतियातन अस्पताल में रहना चाहते हैं। उम्मीद है कल फैंस को मायूसी नहीं होगी और दादा सेहत के साथ अपने घर लौट जाएंगे। और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आत्मकथा बाजार में आ गई है। कांग्रेस और पीएम मोदी को लेकर क्या बड़ी बातें उन्होंने लिखी हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी की किताब आखिरकार रिलीज हो गई। अपनी आत्मकथा द प्रेसिडेंशियल इयर्स 2012 टिल 2013 में भारत रत्न प्रणब मुखर्जी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पीएम मोदी पर सवाल उठाने के साथ ही उन्होंने अपनी ही पार्टी कांग्रेस की लीडरशिप को भी कटघरे में खड़ा किया है। 2014 में कांग्रेस की हार पर उन्होंने लिखा, 2014 के लोकसभा चुनाव की मतगणना वाले दिन मैंने अपने सहायक को निर्देश दिया था कि मुझे हर आधे घंटे पर रुझानों के बारे में सूचित किया जाए। नतीजों से इस बात की राहत मिली कि निर्णायक जनादेश आया, लेकिन किसी समय मेरी अपनी पार्टी रही कांग्रेस के प्रदर्शन से निराशा हुई। ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि कांग्रेस सिर्फ 44 सीट ही जीत सकी। इसके अलावा उन्होंने इस किताब में नोटबंदी का भी जिक्र किया है। नरेंद्र मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल में संसद को सुचारू रूप से चलाने में विफल रही, इसकी वजह उसका अहंकार और अकुशलता है। प्रणब दा की आत्मकथा बाजार में आ गई है। आगे इसमें से और भी कई चीजें निकल कर सामने आ सकती हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।